हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेम जी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे, शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक। मैं हूं आपके साथ शिवांगी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज के खास खबरों का। CAA और NRC के विरोध में देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां दी गई। कोटगेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 64,000 रुपए के पकड़े नकली नोट। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पापुबारी में छात्रा के साथ बदसुलूकी करने और अपशब्द कहने पर मामला भड़ा। कोटगेट थाना पुलिस पहुंची मौके पर और की समझाई। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर 21 फरवरी को बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर पर विशाल धरना। मंत्री बीडी कल्ला ने की अपील, कई संगठनों ने किया समर्थन। राजकीय डूंगर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन और वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में सभा का किया आयोजन, शहीद स्मारक पब्लिक पार्क में। नापासर बाजार में खोखा हटाने का मामला, जिला कलेक्टर ने दिखाई उदारता, व्यापारियों को दिया भरोसा। खबरें विस्तार से। CAA और NRC के विरोध में देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने में प्रदर्शनकारियों ने CAA और NRC के विरोध में जेल भरो कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में सामूहिक गिरफ्तारियां दी। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बैनीवाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारियां दी। महिलाओं ने भी विरोध में गिरफ्तारी दी। इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी हुई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन और जेल भरो कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा। पैसा नहीं आना चाहिए, ये गुलाम की तरह हमारे रहने चाहिए और इनका जीवन हमारी गुलामी के लिए है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब कमल जी खल्ला बोल रहे थे कि मुखबिरों की और वही आरएसएस, इनका फन बाहर नहीं निकलने दिया, ये डरते थे।
क्योंकि इनका काम था अंतर फैलाना, इनका काम था निर्णय फैलाना, इनका काम था एक गाय को मार के किसी मुसलमान मोहल्ले में फेंक दो, किसी का नाम लिख दो मोमगन का, इधर बदंगा हो जाता था। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ साथियों, और 1942 में जब आंदोलन हुआ, हमारे संवाददाता ने की पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल से बातचीत। आज पूरे देश में जो हालात हैं सीएए एनआरसी के विरोध में, उस विरोध में बीकानेर में संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में आज जेल भरो का कार्यक्रम है। अभी हम सब लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर गिरफ्तारी देंगे, समय पर आने वाले समय में, और जैसे जैसे संघर्ष समिति के द्वारा तय किया जाएगा उसी के तहत अगले चरण इसकी तय की। कोटगेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 64,000 रुपए के नकली नोट पकड़े। पुलिस ने आरोपी विकास चोरड़िया को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। कोटगेर थाना अधिकारी धर्म पुनिया ने डीएसटी टीम के सहयोग से कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पिछले काफी दिनों से बीकानेर में नकली नोट चलन की शिकायत मिल रही थी, जिस पर एसपी द्वारा गठित डीएमटी टीम के सहयोग से कोटगेर थाना अधिकारी धर्म पुनिया ने कार्यवाही करते हुए हनुमानगढ़ से लूनकरण सर निवासी विकास को गिरफ्तार किया। हमारे संवाददाता ने की कोटगेट थाना अधिकारी धर्म पुनिया से बातचीत। नाम के निवासी गंगा शहर को गिरफ्तार किया है, जिसे 64,000 रुपए नकली नोट और 43,300 असली भारतीय मुद्रा बरामद की है। जो 64,000 नकली नोट है वह 2,000 रुपए के रूप में है, और ये इनको गुजरात से लाना बता रहा है, और ये जिला डीएसटी टीम की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था। तो असली रुपए हैं जो बरामद हुए हैं, इसके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ नोट मैंने मार्केट में चलाए हैं, जिससे ये असली मुद्रा मैंने प्राप्त की है। जिला डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि इस तरह मार्केट में नकली नोट चल रहे हैं, और इन नकली नोटों के आधार पर जब आसूचना संकलित की गई तो इस विकास चोरड़िया का नाम आया, और ये 5 नंबर रोड के पास किसी मुखबिर ने इतला दी कि इस नंबर के मोटरसाइकिल पर और ऐसे खड़ा है, जिस पर इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास ये नकली और असली। सादुलगंज में रहने वाली कैलाश कंवर के बड़े बेटे ने पेंशन के रुपए नहीं देने के विरोध में अपनी ही मां पर तलवार से वार कर दिया, जिससे मां के सिर पर चोट आई और मां गंभीर घायल हो गई। घायल अवस्था में मां को पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता ने की पीड़िता कैलाश कंवर से बातचीत। मोर बेटा रोज मारपीट करे के पेंशन दे, रोज दारू पिए, सुबह निकले शाम में आवे, रात में दिन में जैसे जन तरवार लीवड़ी एनी टाइम कुआड़ी तरवार हाथ में रखे, रातो ही रात तरवार बढ़ ना की। सादुलगंज काजला जी पड़ोसी है हमारा, खुदरो बेटो ही है। क्या नाम है आपके बेटे का? बावर से। क्या कहता है वो? क्या पेंशन दे मन? आप क्या कहते हो? मैं पेंशन क्या दे, मार छोटो छोले बेली रहूं मैं, जब भरण पोषण मरबो पाल पोषण मरु के पीछे रोटी से कर मन बो दे जनीर बेली को रूम में क्या दे, वो न्यारो है माऊ बेटो और भी है कोई? एक छोटो और है बहन। अच्छा ओ कहीं के वेलो और लाइक वेलो ये पढ़े हुई था तेरे पापा की डेट हुई। नहीं परेशानी नहीं के मारू जान उतरवारी पर रोज नहीं पर ले रहा मैं वहां पर ले रहा। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर बीकानेर कचहरी परिसर में होने वाले विशाल धरने के लिए जनार्दन कल्ला और राजस्थानी मोटियार परिषद द्वारा राजस्थानी भाषा के बैनर का विमोचन किया गया। जनार्दन कल्ला ने कहा कि राजस्थानी हमारी मातृभाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में जगह मिलना पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। हमारे संवाददाता ने की पूर्व शहर अध्यक्ष जनार्दन कल्ला से बातचीत। बीकानेर कचहरी में 21 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचो, ताकि राजस्थानी भाषा की मान्यता रे वास्ता अपन सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाल सको। बिना दबाव ए बदलना कोई नहीं, ए वास्ता दबाव देना बहुत जरूरी है।
वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर अब तक चैनल के माध्यम से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की अपील। राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने सारू विधानसभा में मैं भाषा विभाग रो मंत्री तो वह समय में विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने भेजियो तो कि राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, किंतु आज तक वह पत्रावली ठंडे बस्ते में पड़ी है। केंद्रीय सरकार ने तत्काल 10 करोड़ राजस्थानी और इसकी भाषा है मैंने मान्यता देनी चाहिए। छोटी छोटी भाषाएं जिन्हें 10-20 लाख बोले मैंने तो मान्यता है, और 10 करोड़ लोग जिनकी भाषा ने बोले मैंने आज तक मान्यता नहीं देने से राजस्थान ने साथ विश्वासघात है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूं कि वे विधानसभा के प्रस्ताव ने मान्यता देवे और राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में तत्काल सम्मिलित करें। राजकीय डूंगर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन और वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर बी डी कल्ला रहे। आइए ले चलते हैं आपको डूंगर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में। राम निवास के युवाओं के मंच की तरफ आगे बढ़े और चंदानी उपाचार्य आपके सर का हमारा मान है। ये बेहद बड़े बड़े नेतागण हमारे बीच में के नाते आप सभी के बीच में आज की जो स्थिति ये दो लाइनें आपके बीच प्रकट हो हमारी भाई शबीर अहमद वे विधायक बनकर के जन हमारे बीच में है। खुद से अब जो कि एग्जाम सर पर आने वाले हैं, आप सबको पता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। प्रशासन कार्यालय का उद्घाटन शिव शक्ति दान हरियाणा की सरकार की बात है, बिल्कुल विफल सरकार है। 100 दिनों में वो सरकार प्रोग्राम के लिए केवल अपने व्यक्तिगत खसूट के एजेंडे में चली हुई है। आज तक की जितनी हरियाणा की सरकार गठित हुई है उनमें सबसे विफल सरकार साबित हो चुकी है। हरियाणा के लोगों में जन भावना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पक्ष में थी, कांग्रेस के पक्ष में थी, मगर दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक लाभ की लोभ लालच की रणनीति की तरह इस तरह का गठबंधन किया गया, सरकार बनाई गई, मगर विफल सरकार साबित हो रही है। दिल्ली के अंदर पहले तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, दिल्ली अच्छी चलाएं, हमारे देश की राजधानी है। दूसरा, दिल्ली के लोगों को बधाई देते हैं, नकारात्मक राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति को नकार ने काम किया। ऐसी राजनीतिक सोच जो जिस तरीके से भाईचारे को तोड़ने के प्रयास हो रहे थे, बाद में ले लिया, बाद में कर लिया, कांग्रेस का जो तौर से निराशाजनक प्रदर्शन रहा, इसको लेकर कांग्रेस में हर स्तर को हाथ मंथन करने की आवश्यकता। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ। ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, साथ लो नमकीन का, बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक ही सप्ताह में स्कूली छात्रा के छेड़छाड़ के साथ दूसरा मामला सामने आया है, जहां स्कूली छात्र को छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। छात्रा ने मनचले छात्र को थप्पड़ जड़ा तो हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि छात्रा द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने से गुस्साए छात्र ने शिकायत परिजनों को की और परिजन विद्यालय परिसर में हथियारों के साथ पहुंच गए। हंगामा भरता देख स्कूल प्रशासन ने कोटगेट पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीआई धर्म पुनिया पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे और समझाइश करके मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
हमारे संवाददाता ने की विद्यालय अध्यापिका से बातचीत। इस झगड़े के बीच बचाव के लिए हमने घर से पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और बुलाया, लेकिन पेरेंट्स के तरफ से जो लोग आए उन्होंने शांतिपूर्ण वार्ता के बजाय यहाँ आपस में ही एक दूसरे को धक्का मुक्की करना और मारना शुरू कर दिया। छात्रों के साथ भी उन्होंने हाथापाई की और स्टाफ के साथ भी हाथापाई की और इस वजह से हमें पुलिस बुलानी पड़ी। किस बात को लेके कहा सुनी हुई थी छात्रों ने? एक लड़के ने, मतलब लड़की को थोड़ा सा उठपटांग या थोड़ा सा यूं समझ लो बदसलूकी भरे शब्द बोल दिए थे। लड़की ने पहले उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन लड़की ने वापस माफी भी मांग ली थी, जिस पर उन्होंने गौर भी नहीं किया। और फालतू में लड़के के परिजनों ने आकर स्कूल में बहुत ज्यादा हंगामा करके स्कूल का माहौल खराब कर दिया। लड़कों के पास चक्कू भी था, एक लड़के के पास था। वहीं कोटगेट थाना अधिकारी धर्म पुनिया से की बातचीत। जी को वहीं के स्कूल के बच्चे ने छेड़खानी की, इस मीटर को लेके और कुछ भारी तत्व स्कूल में पहुंचे और उन्होंने वहां बच्चों के साथ बदतमीजी की, जिस पर उनको पकड़ लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। नापासर बाजार में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को खोखा हटाने का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर ने दिखाई उदारता, नापासर खोखा व्यापारियों को दिया भरोसा, कहा कि पहले आपके लिए नए स्थान की व्यवस्था की जाएगी, फिर हटेंगे खोखे। बीडीओ को कस्बे में स्थान चिन्हित करने के दिए निर्देश, छोटे व्यापारियों में दौड़ी खुशी की लहर। मैं बहुत प्रयास किया था, फिर 40 साल से मैं यही बैठा हूँ। पहले मेरे भैरव जी के मंदिर के पीछे थी, फिर एक बार एचएम साहब आए थे तो एचएम साहब ने कहा था लोगों को, भाई ये तो दुकान किसी गलती नहीं है, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने अपने निवास स्थान पर रेल बाईपास निर्माण की मांग के संबंध में शिष्टमंडल से बैठक की। वहीं बताया कि रेल बाईपास बनाने के लिए वर्षों से वे प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इस पर निर्णय करवाकर आम जन को राहत पहुंचाई जाएगी। शिष्टमंडल में पूर्व विधायक और वरिष्ठ अधिवक्ता आर के दास गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार एसोसिएशन नरपत सेठिया आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये उनका स्पेसिफिक लिखा हुआ है और नेशनल हाईवे ने भी हाईकोर्ट में लिखे दे दिया कि कोर्ट गेट इस तक कुछ बनी नहीं कि रेलवे को तो बनाना ही पड़ेगा। उसके मुंह से ये निकला कि यदि दोनों जगह एक जैसी गवर्नमेंट होती तो ये बाईपास आपका एक साल में बन जाता, उसके मुंह से निकला। और उसने ये कहा कि आप और केंद्रीय मंत्री दोनों मीटिंग करके करो तो उसका सोल्यूशन हमारा। कंफ्यूज करेंगे, दो जगह स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे था, उसमें वो रोड और ब्रिज का पहले से प्रावधान था, वो मिला करके 112 था। सहयोग पार्क पवनपुरी में श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अंजना खत्री रही। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने माता पिता का विधिवत पूजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भारतीय संस्कृति के संस्कारों का सिंचन करना और उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करना रहा। आइए ले चलते हैं आपको मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम में। भारत की संस्कृति है कि भगवान से बड़ा कौन है कि माता पिता जो जन्म देता है वो माँ बाप होते हैं और जिसने हमें दुनिया दिखाई है वो हमारे माँ बाप हैं और वो ही भगवान है और उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा होगी तो भगवान अपने आप अपनी पूजा समझ लेंगे। तो मैं ये कहती, लोग कहते हैं कि हमने पुलवामा के शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ, जिसके 44 जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले की बरसी पर शुक्रवार को भाजपा जूनागढ़ मंडल की ओर से पब्लिक पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित करके शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीचे आगे आगे खींच ले जरा। माता की जय, अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक नजर फिर से आज की सुर्खियों पर। और एनआरसी के विरोध में देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल
तहत सामूहिक गिरफ्तारियां दी गई। कोटगेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 64,000 रुपए के पकड़े नकली नोट। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पापुबारी में छात्रा के साथ बदसलूकी करने और अपशब्द कहने पर मामला भड़ा। कोटगेट थाना पुलिस पहुंची मौके पर और की समझाई। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर 21 फरवरी को बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर पर विशाल धरना। मंत्री बीडी कल्ला ने की अपील, कई संगठनों ने किया समर्थन। राजकीय डूंगर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन और वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में सभा का किया आयोजन। शहीद स्मारक पब्लिक पार्क में। नापासर बाजार में खोखा हटाने का मामला, जिला कलेक्टर ने दिखाई उदारता, व्यापारियों को दिया भरोसा। चलते चलते देखते हैं आज का क्या है विचार। तमाम खबरों से अपडेट रह सकते हैं कहीं भी और कभी भी। अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बीकानेर अब तक ऐप कीजिए डाउनलोड। बीकानेर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बीकानेर अब तक। शिवांगी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।